अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विथ लीबा एजाज़। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस मटन मसाला रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। केजी मटन लेंगे और उसे 70% तक बॉईल होने देंगे। बॉईल करेंगे, इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, काजू लेंगे, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 8 हरी इलायची, 8 से 9 लौंग और 7 से 8 लाल मिर्चे लेंगे। अब हम इसे रोस्ट करेंगे। रोस्ट कर लिया है, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब हम इसमें 2 टोमेटोज ऐड करेंगे और उसका पेस्ट रेडी करेंगे। अब हम कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें 2 तेज़पत्ता, 1 बादियान का फूल, 1 लौंग, 1 हरी इलायची, 1 काली इलायची, छोटा टुकड़ा दालचीनी का ऐड करेंगे, 7 से 8 काली मिर्चें और 1 पिंच स्याही जीरा ऐड करना है। जब ये तड़कने लगे तो हम इसमें बॉईल किए हुए मटन ऐड कर देंगे। इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। टू 4 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। कश्मीरी मिर्च ऐड करना है। सॉल्ट ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए फिर से फ्राई करना है। अब हमने जो पेस्ट रेडी किया है वो ऐड करेंगे। हम इसमें 3 टेबल स्पून दही ऐड कर लेंगे। हमने इसे बीट कर लिया है अच्छी तरह। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। हम 4 अनियन फ्राइड कर लेंगे।
फ्राई की हुई अनियन को हमें हाथ से क्रश करना है। हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई अनियन ऐड करेंगे, हमने क्रश कर लिया है। जो हमने मटन बॉईल किया था उसके पानी को हमने स्ट्रेन कर लिया था, उसे ऐड करना है। अच्छी तरह पकाना है। हम इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, जो हमारा मटन हम चेक करेंगे। तीन से चार मिनट और पकने देंगे। भी अच्छी तरह गल चुका है। टू थ्री ड्रॉप केवड़ा वाटर डालेंगे। पांच मिनट के लिए फ्लेम को धनिया के पत्ते ऐड करेंगे। पांच मिनट के बाद इसे सर्व करेंगे। मटन मसाला रेडी है। बहुत ही इजी और जल्द बनने वाली रेसिपी है। फ्रेंड्स आप जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें कुक विथ लीबा एजाज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।